हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ NIT घाट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाटर कमीशन के ऑफिस में, और मैं आपका यहाँ का नज़ारा दिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ से मैं शुरुआत सेंट्रल वाटर कमीशन का ऑफिस दिखा रहा हूँ। ये पूरी तरह से डूब चुका है और पानी देख सकते हैं, मेरे घुटना से हल्का नीचे तक पानी है। और ये यहाँ पर सारा कुछ, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ डूब चुका है, और यहाँ पर इन्वर्टर भी डूब चुका है। इन्वर्टर को एक डब्बे के सारे रखा गया, वहाँ प्लेट वगैरह, वो आइस बॉक्स वगैरह तैर रहे हैं, और ये चेयर वगैरह भी सब कुछ यहाँ पे तैर रहे हैं। और यहाँ पे वाटर को टेस्ट करने का कुछ सामग्री रखा हुआ है, आप देख सकते हो। और मैं इस विंडो के बाहर का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। पानी पूरा लबालब भर चुका है, और यहाँ पर बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है अभी NIT घाट का और इस ऑफिस का भी। और यह घाट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और सामने शिव जी का मंदिर है वो भी पूरी तरह से डूब चुका है। मैं आपको बैक पोजीशन से दिखा रहा हूँ इस मंदिर का, आगे वाला पोजीशन में मैं जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे चिश्त जितना पानी भरा हुआ है अभी तक। तो चलिए मैं आपको बाहर का भी नज़ारा दिखाता हूँ। और NIT का जो रास्ता इंटर करते हैं वहाँ पर पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है, रास्ता में बांस वगैरह से पूरा घेर रखा, और वहाँ पर पुलिस भी बैठ रखा है, और किसी को आने का इजाज़त नहीं दिया जा रहा है अभी। अभी हम लोग सेंट्रल वाटर कमीशन के ऑफिस से बाहर चल रहे हैं और बाहर का दृश्य दिखा रहे हैं आपको हम। तो चलिए, पानी देख सकते हो, मैं ऑफिस से बाहर निकलो, पानी का लेवल आप देख सकते हो, नीचे में मड जमा हुआ, तो वो स्लिप भी कर रहा है। तो चलिए हम लोग इस बोरी के सहारे जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बार नीचे उतर के आपको मैं इसका लेवल दिखा देता हूँ, पानी का कितना ही ज़्यादा लेवल है। आप देख सकते हो मेरा पूरा घुटना तक डूब चुका है, इतना ज़्यादा पानी का लेवल हाई हो गया। और अभी हम लोग गंगा जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे पानी का लेवल देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा है। और ये स्टोरेज रूम था यहाँ पे, ये भी पूरी तरह से डूब चुका है। और ये वाटर का लेवल आप देख सकते हो कितना हाई हो चुका है, ये 40 को टच कर चुका है अभी तक। और वहाँ पे टीला भी देख सकते हो, पूरी तरह से डूब चुका है। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और देख सकते हो क्या हाल हो चुका है अभी तक इधर। और बहुत ही बुरा हाल है अभी NIT घाट का, ये टीला पूरी तरह से डूब चुका है, और पानी का फ्लो आप देख सकते हो कितना ही तेज हो रखा है, पूरा लेवल में आ चुका है गंगा जी, और ये खतरे के निशान से बस थोड़ा ही नीचे है। और मैंने यहाँ पे वाटर कर्मचारी से भी बात करा था, उनका कहना है कि अभी पानी और बढ़ेगा, और मेरे चारों तरफ पानी ही पानी है आप देख सकते हो। और पानी भी पूरी तरह से काला काला गंदा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं उस तरफ तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन यहीं से मैं आपको दिखा सकता हूँ। और मेरे सामने कुछ बच्चे नहा भी रहे, वो भी मैं आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। और आप देख सकते हो मेरे ठीक सामने मेरे कुछ बच्चे नहा रहे हैं, वहाँ पे देख सकते हो, उन्हें कोई डर नाम का चीज़ ही नहीं है। और मेरे सामने देख सकते हो एक बोट पे लगा है, वो नमीम गंगे का, जो कि ये ओवरब्रिज का काम कर रहा था, ये भी सारा काम बंद हो गया है। और मेरे ठीक सामने देख सकते हो दियारे का क्या नज़ारा हो रखा है, पूरी तरह से डूब चुका है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, अगर क्वालिटी में कोई इशू होगा तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे ठीक सामने आप देख सकते हो कुछ लेबर्स वो मिट्टी का बोरा भर के लेके आ रहे हैं, और आप देख सकते हो, और वहाँ पे कुछ बच्चे नहा भी रहे हैं। फिर से मैं आगे भी बढ़कर आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे पानी का आप हाइट देख सकते हैं कितना ज़्यादा ही पानी वहाँ पे बढ़ गया है, छाती तक वो पानी पूरा बढ़ गया है। अब देखिए पानी का फ्लो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते जा रहा है, आप देख सकते हो पानी का फ्लो आप देखिए कितना ही ज़्यादा तेज़ हो गया। हर हर गंगे, हर हर गंगे।
और ये टीला पहले बैठने के लिए हुआ करता था, और इसके नीचे 10 फीट नीचे स्टेयर्स भी हुआ करता था, और पूरी तरह से डूब चुका है। और यहाँ पे एक मेरे भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप इन्हें देख सकते हो, और ये कुछ बताना चाह रहे हैं मुझे। हाँ, तो ये जो आपको रेलिंग दिख रहा है अभी, यहाँ पे नीचे में खड़े होते थे तो ये अप्रॉक्स चेस्ट के पास आता था, इतना पानी का लेवल बढ़ा हुआ है। और ये आप देख सकते हो, और यहाँ पे रेड लेवल का मार्किंग भी दिया हुआ है, ये कितना खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है अभी गंगा जी। चार दिन से फंसे हुए अब ऊपर टी घर है, सरकार से उम्मीद है कि कुछ सेवा दिया जाए, जान मान का हानि है। मेरे सामने एक भैया है, ये बहुत तकलीफ में है, और भैया आप अपना तकलीफ बताइए। पानी को अगर खाने की व्यवस्था नहीं है, भूखे रह जाते हैं, सही है, रोड पुलिस जाने नहीं देती है, जाते तो फिर आने नहीं देता, फिर भगा देता है रोड पे, जाओ रोड पे सूखना है, हम लोग चल जाएंगे तो आना, तो जाए रोड पे सो जाएंगे तो खाएंगे क्या चीज़ हम। और कोई भी परेशानी तो आप बता सकते हैं? तो सरकार व्यवस्था कर ही नहीं रहा। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं, रोड पे जाए तो रोड पे जा ही नहीं रहा, नहीं आने दे रहा, ना खाने पीने की व्यवस्था है, रोड पानी इतना बड़ा हुआ है, देख रहा चारों पट पानी का लेवल तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है, और ऊपर बहुत सारे भैया लोग फंसे हुए हैं, छत पे रह रहे हैं अभी, इनके खाने पीने का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया सरकार की तरफ से।